अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये जी सुहाना और मैं, हम सुबह सुबह सब सो रहे हैं तो हम उठे हैं तो नाश्ता करना था, और ये सुहाना मुझे रोटी सिखा रही है और मैं उसको बनाना सिखा रही हूँ, तो हम दोनों रोटी बना रहे हैं जी। ये क्या बना That's रहे? me. Oh. I look like a monster. Yes. And Arjun looks like a monster too. They're both monsters. No, you are not monster. You are Look. princess. But I'm a monster princess. Oh wow, princess. But it's the story of the monster and the lol the dough, lol lol the dough. We can lol the dough when we are making roll. This is gonna be tasty. This is gonna be tasty. La la la. बस La la रहने दो, la. इट्स ओके। हो गई है ये, देखो थोड़ी लंबी कर दी आपने, गोल I नहीं। want to make the wrong one. तो So I can be so happy to eat it. आपने इसको राउंड नहीं ना किया, ये देखो ये थोड़ी It's सी। a hexagon. चलो अब इसको मैं रोटी बनाती हूँ, तवे पे डालती हूँ, ठीक है? छोड़ दो आप, छोड़ दो बस। Now we can roll the dough so all the eyes and the ears can be gone. This is all rolled. We can do it. That trick is beautiful. डालो आप नुटेला, लगा लो जो लगाने लगाओ। नीचे नहीं, नो ऐसे नहीं खाओ। रोटी पे लगाओ, बहुत बुरी बात है, फिर ज्यादा हो जाएगी चॉकलेट। बस थोड़ी थोड़ी खाओ ना। यस आई थिंक इट्स डन। आई थिंक आप फोल्ड करोगे कि मैं करूं? मैं फोल्ड करो, यू कैन डू। आई कैन डू द फोल्डिंग सो वी कैन मेक द यम्मी roti yes i did it इसको पूरा खाना, ठीक है? चलो चलो अब खा लो, ठीक है? कैसी है? टेस्टी है, टेस्टी है। चलो फिनिश करो। और फिर जी सुहाना की जो हाल है उसकी है आज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी आज तो नहीं थी, रमज़ान में थी तो उसने सेलिब्रेट नहीं की, तो हमने सोचा कि चलो उसने सेलिब्रेट नहीं की तो आज उसने वैसे भी इधर खाना खाने आना था, तो हमने सोचा चलो उसको सरप्राइज़ देते हैं और थोड़ा सा ये सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं और उसके लिए केक मंगवाते हैं, और साथ में ऑलरेडी खाना तो है ही तो उसको सरप्राइज़ करते हैं। तो ये जी थोड़ी सी मैं अपने टेबल की सेटिंग चेंज कर रही हूँ। और जी सुहाना की मामा गई हुई है केक लेने और साथ में फ्लावर लेने अपनी बहन के लिए, और सुहाना की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दाल का सूप बनवा के मुझसे पी रही है। वो खुद ही उसने फरमाइश की कि मुझे, मैंने कहा चिकन का बनाती, उसने कहा नहीं दाल और वेजिटेबल का बना। और फिर जी केक वगैरह आ गया तो हम लोग कैंडल वगैरह भी सेट कर रहे थे, और अभी तक उसके मतलब जो मेरी बड़ी बेटी है वो नहीं आई, तो बस आने वाली है। उसने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो हमने सोचा चलो आने से पहले पहले हम लोग ये सारी चीज़ें रख लेते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गई है, तो अब हम कैंडल वगैरह जलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये उसको इतना शौक़ नहीं होता लेकिन फिर भी वो सब के लिए करती है, तो हमें होता है कि चलो हम भी उसके लिए कुछ कर दें। तो माशाल्लाह जी तैयारी हो इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई उसकी, ये आलियान की मामा गई हुई थी, उसको फ्लावर वगैरह भी नहीं मिले, तो केक भी जो है ना वो यहाँ पे हलाल मिलना बहुत मुश्किल है। अचानक पहले से आर्डर किया हो तो उनको बताया हो तो फिर इजीली मिल सकता है, वरना बहुत मुश्किल होता है ये सब। तो अल्लाह का शुक्र है मिल। हैप्पी एनिवर्सरी।
आमीन आमीन सुमन सदा हमेशा खुश रहो रोटी खा लो और सुहाना तो सुहाना की किसी और की बर्थडे है एनिवर्सरी है तो इसने जरूर शामिल होना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक कटिंग के बाद केक कट गया माशाल्लाह सब बहुत खुश थे और जो सुहाना की हाल है वो भी बहुत खुश हुई केक को देख के। उसे छोटे छोटे गिफ्ट लेना और देना बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो उसके बाद जी हम लोग खाना खाने लगे तो ये थी छोटी सी हमारी जो ईद की मसरूफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हम लोग सब इकट्ठे हुए और बहुत ही मज़ा आया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी ज़रूर किया और मेरे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला इनको हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जी लंबी ज़िंदगी दे। आप सब के बच्चों को भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।